ओके, वो फिर मैं भेजता हूँ तेरे को। EMF induced in a moving conductor. ठीक है, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल राइट इज मूविंग इन अ प्लेन perpendicular to magnetic field with speed v as shown. Okay. ये सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है इसमें ये एक रेल प्लेस्ड है ठीक है कंडक्टिंग रेल है जिसके ऊपर वो स्लाइड करेगा कंडक्टर तो ये लेंथ एल है सो देन दिस इज अवर कंडक्टर विच इज मूविंग विद स्पीड वी करेक्ट लेट In time t, it moved by distance x. ठीक है ये इसकी नई पोजीशन हो गई और ये कितना डिस्टेंस मूव हो गया x, राइट right? So change in flux कितना चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया कितना एरिया चेंज हुआ एल इंटू एक्स ये इतना एरिया चेंज हुआ है ना तो फ्लक्स कितना चेंज हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया सो दैट इज B L X My Faraday's law E is equal to delta phi by delta t So, E is equal to E is equal to B L X upon T, but X by T is V. So, E is equal to B L V. चलो ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है बाहर की तरफ अंदर की तरफ नहीं पूरा का पूरा फील्ड है
तो इट्स नॉट गोइंग आउट ऑफ फील्ड और इन द फील्ड और समथिंग लाइक दैट, इट इज मूविंग विद इन द फील्ड. ठीक है, तो हो क्या रहा है, इतना एरिया लिंक्ड है, पहले इतना एरिया था, मैं इस शेड कर रहा हूँ, तुम मत करना, पहले इतना एरिया था तो इतना फ्लक्स था, अब बाद में इसमें ये और ऐड हो गया तो टोटल फ्लक्स चेंज हो गया ना. ठीक है, अब अगर हम इधर एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन, इसमें से करंट फ्लो होएगा, राइट, इजन इट, राइट. तो ये था, इफ इट इज मूविंग इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड, करेक्ट. नाउ इफ प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा, कौन सा प्लेन, ए प्लेन ऑफ मोशन है ना, ए प्लेन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल थीटा विथ फील्ड, देन ई इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा. अब देख लो थीटा को जब परपेंडिकुलर है तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ना. ई एम एफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग कंडक्टर, ये मूविंग कंडक्टर और रोटेटिंग कंडक्टर दोनों में एक फर्क है. लाइक ये मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग कंडक्टर मींस वो एक सर्कल में रोटेट करेगा, लाइक ऐसे एक सर्कल ले लो, ठीक है, और ये हमारा कंडक्टर है. दिस इज फिक्स्ड अबाउट दिस एंड, और ये एंड ए रोटेट कर रहे विद स्पीड वी या एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो ये ऐसे, ये एंड फिक्स है और ये ऐसे घूम रहा है, और उसमें कैसे था, ऐसे स्लाइड कर रहा है ना, पूरा का पूरा कंडक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ मूविंग, राइट. ठीक है, इसकी लेंथ भी एल ले लो, ये बहुत सिंपल से चैप्टर है इफ focused properly in the class. Consider a conductor OA of length L is rotated about its end O in uniform magnetic field in a plane perpendicular to magnetic field. ठीक है, राइट. Let angular speed is omega, then time to complete one revolution ek revolution mein kitna time lagega, कितना ओमेगा और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल टू टी बाय ओमेगा 2 पाई बाय टी, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा,
राइट. फ्लक्स स्वेप्ट इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना फ्लक्स स्वेप्ट हुआ? 5 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया कितना? पाई एल स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया है ना, और क्योंकि प्लेन परपेंडिकुलर है तो थीटा तो 0 हो गया, राइट. क्लियर? सो ई इज इक्वल टू बी इन टू पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, एंड ई इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, एज ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई एल, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से, तो ई इज इक्वल टू हाफ बी एल वी, यानी वो जो पहले अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसका हाफ. ठीक है बच्चों? डिफरेंट मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ. ठीक है, एज ईएमएफ इंड्यूसेस on change of flux length and flux phi is equal to b a cos theta. So by changing any of b A or theta, an EMF can be induced. First, by changing B only, sir B ko change karenge, to E is equal to minus d phi by dt or E is equal to minus a cos theta dB by dt. Simply. ठीक है. Second, by changing area, ये वैसे कोई नहीं पूछता बट जस्ट कैसे कैसे होता है डिफरेंट वेज. ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ई इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा डी ए बाई डी टी. नाउ थर्ड, by changing orientation, orientation is theta, ठीक है, ये coil का shape कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है. मैं यहाँ पे rectangular coil बना रहा हूँ. ये सपोज एक क्वायल है, ये इसकी एक्सिस है, इसको ऐसे घुमाया, ठीक है, इट्स लाइक दिस, ऐसे रोटेट कर रहे, ठीक है. तो अभी इसका प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड है,
फिर ऐसे करके पैरेलल टू फील्ड हो जाएगा, फिर दोबारा से परपेंडिकुलर टू फील्ड हो जाएगा, पूरा एक राउंड तो फिर परपेंडिकुलर टू फील्ड हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर अ कॉइल ऑफ एरिया ए इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड विद एंगुलर स्पीड ओमेगा एज शोन। राइट, इन टाइम टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब 11th क्लास से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है ना। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, करेक्ट। सो फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। एंगल किसी भी टाइम पे कितना हो गया, ओमेगा इंटू टी, रोटेट कर रहे तो। ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, सो ई इज इक्वल टू माइनस बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। फॉर एन टर्न क्वाइल, अगर क्वाइल में एन टर्न है तो इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ई इज मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वन, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। सो ई नॉट यानी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा है ना, और ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये एक्सप्रेशन हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, किसमें, ऑसिलेशन, और इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक डिस्प्लेसमेंट, हार्मोनिक वेरिएशन, राइट। दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट हार्मोनिक वेरिएशन, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन एसी जनरेटर, जो एसी जनरेटर होते हैं उसमें एसी को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है।
कहाँ तक कर लिए थे? 11 तक हो गए थे ना, कर लिए थे। राइट, क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 2, पहले 4 करना फिर 2 करना। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ इज इक्वल टू 50 और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, सो दैट इज 100 पाई। और ईएमएफ ये रोटेशन पे होता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी इज 1, एल इज 1, ओमेगा इज 100 पाई। ठीक है, सो दैट्स 157। इन द सेकेंड क्वेश्चन फ्लक्स चेंज इज माइनस ऑफ फर्स्ट, सेम क्वेश्चन अभी किया था, 180 डिग्री रोटेट किया तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, तो चेंज इन फ्लक्स कितना, 251, दैट इज 2 एन बी ए, एन बी ए सब दे रखा है। ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है, ओके, और टाइम भी दे रखा है, कितना 0.25, तो ईएमएफ इज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, हो जाएगा।